स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आप लोग YouTube पे आएंगे और सर्च करेंगे डिटेक्टिव महलू, डिटेक्टिव महलू, चलिए मैं लिखता हूँ डिटेक्टिव महलू, तो आप लोग के सामने कुछ इस तरह का एक चैनल आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखते हैं मेरे सामने एक चैनल आ गया है और इस पे सब्सक्राइबर की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 12.3 लाख सब्सक्राइबर है और 155 वीडियो इन्होंने अपलोड किया है। इन्होंने किस तरह का वीडियो बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, सब कुछ आप लोग को दिखाऊंगा मैं और सिखाऊंगा और किस तरह से आप लोग बना सकते हैं ये भी बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे व्यूज की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक दिन पहले वीडियो अपलोड हुआ है 1.9 लाख व्यूज है, यानी 7 दिन पहले अपलोड हुआ है 5.6 लाख व्यूज है, 3 वीक पहले अपलोड हुआ है 9.3 लाख व्यूज है। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो में व्यूज आ रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ आप लोग को कि किस तरह से वीडियो बनाया गया है और यह चैनल मोनेटाइज है या नहीं है। तो दोस्तों चलिए मैं एक वीडियो प्ले कर देता हूँ। वीडियो प्ले करते ही आप लोग सामने देखिए थोड़ा सा ये आएगा, इसको मैं स्टॉप कर लेते हैं। चलिए यहाँ से स्किप कर देते हैं, 4-5 सेकंड का ये है, मैं इसको स्किप कर दिया। स्किप करते ही आप लोग के सामने कुछ इस तरह का वीडियो देखने को मिलेगा, इसको किस तरह से बनाया जाता है आप लोग को कुछ तो नहीं कहानी इसमें लेना है, नहीं तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं चैनल भी मोनेटाइज है, सुपर थैंक्स का बटन मिला हुआ है। यहाँ पे पहले ये मैं दिखा देता हूँ किस तरह से बनाया जाता है, तो वो चलिए मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को नहीं तो कहानी खोजना है, नहीं तो कुछ करना है, आप लोग आसानी से इस तरह का वीडियो बना पाएंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोग को अब बताता हूँ कि इस तरह का वीडियो कैसे बनाना है। कहानी भी आप लोग को इसी में मिलेगा और आप लोग वीडियो भी इसी में मिलेगा, आप लोग को सिर्फ एडिटिंग करना है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है, एडिटिंग करना है, अपने चैनल पे अपलोड करना है। तो कैसे करना है चलिए वो मैं दिखाता हूँ। उसके लिए दोस्तों चलेंगे हम लोग प्ले स्टोर एप्लीकेशन पे। प्ले स्टोर एप्लीकेशन पे आने के बाद आप लोग को सर्च करना है डिटेक्टिव गेम। इस तरह से लिख के सर्च करेंगे तो आप लोग के सामने यहाँ पे एक गेम दिखाई देगा जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जिसको मैंने मार्क किया है। इस गेम को आप लोग को क्या करना है, यहाँ से ओपन कर लेना है, यहाँ से प्ले के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्ले के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखते कहानी लिखा हुआ आ रहा है, जो जो आप लोग इस गेम में जो भी एनिमेशन होगा उसका कहानी लिख के आ जाएगा यहाँ पे। तो कैसे करना है, यहाँ पे पहले लेके आना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद पहले सेटिंग में जाना है और इसके जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसको हिंदी कर लेना है। हिंदी करेंगे तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा कि कहानी में क्या है, क्या कहानी है, किस तरह से बोलना है, सब कुछ आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, चलिए मेरा ज़्यादा बाहर हो गया, मैं प्ले कर देता हूँ दोबारा। आप लोग देखते हैं इस तरह से ऑप्शन आएगा, उसके बाद आप लोग के सामने कुछ इस तरह से एनिमेशन होगा और यहाँ पे लिखा हुआ रहा है महलू अपनी जैकेट, टोपी और रबर के जूते पहनकर जंगल में घूम रहा था, तभी उसकी नज़र एक पुराने महल पर पड़ी। तो इस तरह से आप लोग को भी इसमें कहानी मिल जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आगे करेंगे तो फिर आगे जाएगा और यहाँ पे कहानी लिखता हुआ जाएगा, जो भी है जो कहानी रहेगा वो लिखता हुआ आएगा। कुछ इस तरह से देखते जाना है और वह 3 दरवाजे पर आया, इस तरह से देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, क्या तय, क्या आप तय कर सकते हैं कि महलू के आगे जाने के लिए किस कौन सी दरवाज़ा चुनाव करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं दरवाजे पे क्या क्या है, बिजली है जो जो है देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप लोग यहाँ से चुनाव कर सकते हैं कि कौन नंबर दरवाजे से महलू जा सकता है, तो आप लोग इसमें चुनाव करिएगा, फिर आगे आपको यह गेम में आगे लेके जाएगा। इसी तरह से आप लोग देखते हैं यहाँ पे 51 वीडियो बना सकते हैं आसानी से। तो किस तरह से करना है, आप लोग को इसको गेम को खेलते जाना है, सवाल जवाब करते जाना है और आप लोग को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते जाना है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेने के बाद आप लोग को क्या करना है, चलना है काइन मास्टर एप्लीकेशन में। तो दोस्तों चलिए चलते हैं काइन मास्टर एप्लीकेशन में और इसको एडिटिंग करते हैं और किस तरह से इसमें वॉइस ओवर करना है सब कुछ आप लोग को बताते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं काइन मास्टर में। मास्टर एप्लीकेशन में आने के बाद आप लोग को क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है और 16:9 जैसे लेके क्रिएट पे क्लिक कर देना है। इतना कर लेने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को एक मीडिया में जाना है और यहाँ से एक सादा ब्लैंकेट ले लेना है, सादा पेपर ले लेना है, मतलब सादा एक बैकग्राउंड ले लेना है, मैंने पेपर बोल रहा हूँ। तो कुछ तरह से इसको लेके वीडियो के ड्यूरेशन के हिसाब से बढ़ा देना है, बढ़ाने के बाद लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और आप लोग जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग किए रहेंगे इसको ले लेना है। इसको ले लेने के बाद आप लोग को क्या करना होगा, चलिए वो मैं बताता हूँ। तो इसको ले लेने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर जाना है, चलिए दिखा देता हूँ, स्प्लिट स्क्रीन पे जाना और इसको ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग के सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं।
कुछ इस तरह से शो हो जाएगा इंटरफेस। तो मेरे को ये रेटिंग देने के लिए बोल रहा था, उस टाइम से मैं रिकॉर्डिंग किया हूँ, तो रिकॉर्डिंग में हट जाने दीजिए। अभी देख सकते हैं इन लोग को चेहरा नहीं दिख रहा है, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसके ऊपर टाइप करेंगे और इसको खींच के इस तरह से लेके आएंगे और इन लोग को चेहरा पे ला के कर देंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से इन लोग का चेहरा भी दिखेगा और आगे का स्टोरी भी आप लोग को दिखेगा। आप लोग देखते हैं अभी कुछ इस तरह से यहाँ बातें कर रहे हैं, बातें करने के बाद आगे जाएंगे। देख सकते हैं अभी आप लोग के सामने सब कुछ दिखाई देगा और आप लोग को उसमें का कहानी लिखते जाना है और आप लोग को क्या करना है, रिकॉर्ड करते जाना है। जो कहानी नीचे दिख रहा था उसको लिख लेना है कहीं पे। और आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे आप लोग देखते हैं एक वॉइस ओवर का ऑप्शन दिख रहा है, वॉइस ओवर करना है, यहाँ से उस कहानी को बोलना है, जो जो कहानी रहेगा उस कहानी को बोलते जाना है। कुछ इस तरह से आप लोग को करना है और वीडियो रिकॉर्डिंग करना है। और जो इसमें का आवाज़ है, आप लोग को आवाज़ को बंद कर लेना है, यहाँ से आवाज़ पे क्लिक, इस पर क्लिक करेंगे और मिक्सर पे जाएंगे और इसको म्यूट कर देना है और अपने तरफ से इस तरह का एक कॉपीराइट फ्री म्यूजिक लगा लेना है। और जो वॉइस ओवर है वो वॉइस ओवर करना है आप लोग को, नहीं तो कॉपीराइट का सामना करना पड़ेगा नहीं कुछ, और चैनल मोनेटाइजेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग आसानी से इस तरह का वीडियो क्रिएट कर लेंगे सिर्फ 5 से 6 मिनट में और अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से वीडियो बना लेना है और अपने चैनल पर अपलोड कर लेना है। बाकी अगर आप लोग को कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां से आप लोग को जवाब दे दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।